क्वेश्चन में आपको लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर फाइंड करना है, और यहाँ सीक्वेंस दिया हुआ है an इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 बाई 2 टू द पावर n इंटू 5, देन प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 1 बाई 4 प्लस माइनस 1 टू द पावर n अपॉन 2 बाई n, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। और आपको फाइंड करना है लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर क्या होगा। तो जब आप लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर की बात करते हैं तो लिमिट सुपीरियर इज दी लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट और लिमिट इन्फीरियर इज दी स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट। तो उस कॉन्सेप्ट का अगर यूज करेंगे तो ये मेरे पास बेसिकली है 3 प्लस माइनस 1 टू द पावर n अपॉन 2 की पावर n प्लस 5 प्लस माइनस 1 टू द पावर n बाई 4 एंड माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 बाई n, ये आ जाएगा। एज एन टेंस टू इन्फिनिटी की अगर बात करूंगा तो एन टेंस टू इन्फिनिटी जो ए ऑफ 2n है इवन टर्म का सीक्वेंस, ये जीरो पे टेंड कर जाएगा, ये जीरो पे और ये 1 बाई 4 पे, तो ओवरऑल क्वांटिटी आपका टेंड कर जाएगा 3 प्लस 1 बाई 4, ठीक है, विच इज 13 बाई 4। एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्वांटिटी जीरो, ये क्वांटिटी जीरो और ये क्वांटिटी 1 बाई 4 पे टेंड कर जाएगी, ठीक है। और अगर a ऑफ 2n प्लस 1 की बात करेंगे ओ टर्म का सीक्वेंस, तो ये टर्म अगेन जीरो, ये टर्म अगेन जीरो और ये माइनस पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 1 बाई 4, ठीक है, विच इज 11 बाई 4। तो इवन टर्म का सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, ओ टर्म का सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है, तो इसके पास जो लिमिट पॉइंट होगा वो 13 बाई 4 एंड 11 बाई 4, यही दो लिमिट पॉइंट होंगे और स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट और लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट सुपीरियर। इंफीरियर इज 11 बाई 4 और सुपीरियर इज 13 बाई 4, तो आपका जो बी आंसर है दैट शुड बी ट्रू, रिमेनिंग ऑल आर फॉल्स ऑप्शन, ठीक है।